नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मिथिलेश सरदार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि COVID-19 के वजह से मतलब जो भी जिम ट्रेनर्स है या फिर जिम के जो ऑनर्स है उनको काफ़ी सारी दिक्कतें की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिम्स अभी अब तक कोई न्यूज़ नहीं आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से कि मतलब जिम कब खुलेंगे, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी आ रही है। तो इस वजह से काफ़ी लोग इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जिम को जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि अदर सेक्टर को खोला गया है, जैसे आपके मॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, उनको शायद फेज़ वन या फेज़ टू में खोल दिया गया है। तो जिम को फेज़ थ्री की डेट में डाला गया है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से मतलब बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि मतलब आपके जो फेज़ थ्री में जिम्स को खोले जाएंगे। तो इससे रिलेटेड हम छोटे यूट्यूबर जो भी जिम के ऑनर्स थे, जो भी ट्रेनर्स थे, वो बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो सामने आके इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे कि जिम खुलने चाहिए जिम्स मतलब इंडिया में। तो काफ़ी लोगों ने इसके लिए मतलब सपोर्ट करा है। आप देख सकते हो मास्टर सेफ हो, भूपेंद्र सिंह धवन जो कि द्रोणाचार्य जिम यूट्यूब चैनल से आते हैं, तरुण गिल, फिर अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जीत सराल सर ने भी मतलब इसके लिए प्रोटेस्ट में आवाज़ उठाई थी। और आज की डेट में जो सबसे बड़ा इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में जो नाम है मिस्टर गुरु मान, जो कि लॉस एंजलिस अमेरिका में रहते हैं, वो भी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले उन्होंने भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उनसे मतलब आग्रह करा कि जिम को क्यों नहीं खोला जा रहा है। और उनके लिए मतलब काफ़ी सॉलिड रीज़न उन्होंने दिया कि, और मैं भी बता दूं कि वो रीज़न क्या थे। उन्होंने ये कहा कि जो भी जो जिम्स है वो उसको आप बंद करो, बंद करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसके साथ ही जो भी जो दूसरी चीज़ों को जो खोला जा रहा है उनको भी आपको बंद करना है, क्योंकि लॉकडाउन अगर सबके लिए है तो एटलीस्ट ये नहीं होना चाहिए कि मतलब किसी अलग सेक्टर के लिए कुछ और है या दूसरे सेक्टर्स के अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ़िलहाल उनके मुताबिक, और हमें भी ये लगता है कहीं ना कहीं, जो जिम्स है वो जो गवर्नमेंट है वो जिम्स के लिए काफ़ी मतलब बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं दे रही, उनका कुछ मतलब सुनना ही नहीं है, उनको इनसे मतलब ही नहीं है। देखिए मंदिर जब खोले जाते हैं तो मंदिर में एक्चुअली होता क्या है, मंदिर में हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो जिम में जाते हैं, मंदिर जाते हैं। लेकिन मंदिर में क्या होता है कि अगर आप थोड़ा रीजनेबल देखोगे कि मंदिर में अगर लोग जाते हैं तो वहाँ पे अगर लोग ना जाएं तब भी कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं है, घर पे भी पूजा पाठ करा जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जिम को वहाँ उस चीज़ को ना खोले जाए, लेकिन फिर भी खोल रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहाँ पे आप एक चीज़ गौर करिएगा, वहाँ पे हमारे जो बड़े बूढ़े होते हैं वो जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि उनमें जो इम्यूनिटी सिस्टम है और एज ग्रुप के हिसाब से काफ़ी कम होती है। और COVID-19 के केसेस में सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो इस चीज़ की प्रायोरिटी दी जाती है कि वहाँ पे आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो वहाँ पे एक मतलब जो एज ग्रुप वहाँ पे जो जाती है, जनरली वहाँ बच्चे भी जाते हैं जिनमें इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी नहीं होती है, जिनमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि जो COVID-19 के जो स्प्रेड होने का जो चांसेस है वह मंदिर में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और वहाँ पे की जो क्राउड होती है उसको मैनेज करना मंदिर की जो अथॉरिटी होती है उनके हाथ में नहीं होती, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि कब किस समय भीड़ आ सकती है, कब किस समय लोग ज़्यादा आ सकते हैं, कम आ सकते हैं। दूसरी चीज़ रेस्टोरेंट में भी वही हाल है, रेस्टोरेंट में भी जो क्राउड है तो उसको किसी के हाथ में नहीं है कि इस समय पे मतलब क्राउड ज़्यादा होगा, उस समय पे क्राउड ज़्यादा होगा। लेकिन जो हमारे जो जिम्स के जो सेक्टर्स है वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास अननोन पर्सन नहीं होता, हमारे पास नोन पर्सन होते हैं। हमारे पास जितने भी जो ग्रुप होती है मतलब जो भी मतलब जिम की जो क्वांटिटी होते हैं वो हमें पता होता है। अगर छोटे से छोटे जिम में 50 से 100 ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से नहीं होते आज के डेट में, मेंबर्स इतने ही होते हैं। बस हर महीने जो अलग अलग जो न्यू ज्वाइनिंग होती है वही उन्हीं पर डिपेंड करता है। ऐसे तो जनरली देखा गया है कि जो अमूमन हर जिम में 100 ही बंदे होते हैं जो रेगुलर आना जाना करते हैं 50 से 100 के बीच में। और इंडिया के किसी भी जिम में आप चले जाओ तो आप देखो कि ज़्यादा ज़्यादा वहाँ पे अगर बहुत बड़ा जिम है तो ज़्यादा ज़्यादा 20 से 25 लोग एक समय में कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा खासा अगर जिम होगा तो। वैसे छोटे छोटे जिम में जैसे मेरे जिम में ज़्यादा ज़्यादा मतलब एक टाइम में 15 से 20 हार्डली होते हैं, वो भी मैनेज हम कर सकते हैं अगर हमें गाइडलाइंस अगर गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे कि मतलब इसको इस तरीके से इस प्रोटोकॉल को आपको फॉलो करना है, तो वो भी हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नोन क्राउड है, हमें पता है कि किस समय किस बंदे को आना है, वो हम उस तरीके से बैच को सेटलमेंट कर सकते हैं, हम दिन भर अपना मतलब जिम खोल के उसको कहीं ना कहीं सेटल कर सकते हैं। और हमारा जो एज ग्रुप है, सपोज़ अगर कोई नया बंदा आने वाला है तो हमें पता है कि उसको किस चीज़ से प्रॉब्लम है,
उसको किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, कोई सर्दी खांसी या जो भी छोटी मोटी बीमारी जो COVID-19 के केस में नहीं होनी चाहिए, या फिर जो ओल्डर एज के जो लोग हैं उनको हम अभी फ़िलहाल मतलब जिम आने से मना कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब गुरुमान ने क्लियर करी थी और काफ़ी सही चीज़ क्लियर करी थी। आपको भी अब हमारी जो गवर्नमेंट है उनको भी इस बारे में सोचना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ अनफेयर किया जा रहा है, हमारे साथ मतलब गलत किया जा रहा है। अब तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि अगर आज की डेट में जून जुलाई का कुछ दिन में जुलाई आने वाला है, अगर इस समय तक भी अगर जिम्स को नहीं खोला जा रहा, अदर सेक्टर को खोला जा रहा है, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात है। और ये किसी भी तरीके से एडजस्टेबल नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि इससे काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं आज की डेट में। जिम के ऑनर सफ़र कर रहे हैं, ट्रेनर सफ़र कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज के डेट में जिम में 2 से 3 लाख मतलब आपके जिम्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो इससे काफ़ी सेक्टर जैसे आपकी फिटनेस इंडस्ट्री, सप्लीमेंट इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, जो क्लॉथिंग की है, ब्रांडिंग की है, इक्विपमेंट इंडस्ट्री, काफ़ी लोग इससे अफेक्ट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट आई थिंक मतलब 10 लाख लोग एटलीस्ट कम से कम इससे अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है क्राउड, तो इसको अनदेखा करना किसी भी तरीके से एडजस्टेबल नहीं है, किसी भी तरीके से आप इसको अनदेखा नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना होगा, यही बात गुरुमान ने हमारे जो PM है नरेंद्र मोदी के सामने रखी थी। तो आई होप अब इस मुहिम से काफ़ी लोग जुड़ के आ रहे हैं। और अभी मैंने रिसेंटली मतलब सुना कि जो पंघाल फिटनेस से हैं अमित पंघाल, उन्होंने भी मतलब इसके अगेंस्ट में एक वीडियो डाली है। मैंने वो देखी नहीं है, मुझे अभी ठीक से कंफर्म नहीं है, अगर कंफर्म होगा तो अगली वीडियो में मैं इसको क्लियर करूँगा। लेकिन अच्छी बात है कि जो हमारे इंडिया के जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो अब सामने आ रहे हैं और इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप भी आगे बढ़िए और इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट करिए। तो ये थी, तो अब आपको सुनने में आ सकता है, अच्छी न्यूज़ मिल सकती है कि मे बी पॉसिबल आपको कुछ दिन में जिम खुल सकते हैं अगर इसी तरीके से प्रोटेस्ट चलता रहा। तो प्रोटेस्ट करना नहीं छोड़िएगा बिल्कुल भी, चाहे आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं। आपको शायद पता होगा कि सिक्किम के जिम्स खुल चुके हैं, COVID-19 के केसेस आई थिंक वहाँ पे कम है। तो डिपेंड करता है आपके एरिया में COVID-19 के केसेस कितने हैं, अगर आपके केसेस कम है तो मे बी पॉसिबल एज सून एज जिम खुल सकते हैं। तो प्रोटेस्ट करना ना छोड़िए और लोगों को जोड़ना बिल्कुल बंद ना करिए और इसके अगेंस्ट बिल्कुल आवाज़ उठाइए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ और भी काफ़ी लोग इस प्रोटेस्ट को लेकर जुड़ सके। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।